इसका जो संकल्प वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की बात सामने आ जाती है। आप अंतर देख सकते हैं, चौधरी साहब किसानों के सच्चे हितैषी थे, लेकिन चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप विकास कौन करा रहा है आप देख सकते हैं। बुलंदशहर की वैब चीनी मिल, इसको हमारी सरकार ने चलाया था, जिन लोगों ने इसे बंद किया था वे आज कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडराते हुए दिख रहे होंगे। चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल रमाना चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सभी लोग केवल किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, और मुझे प्रसन्नता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, हमारे वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जैसे ही मांग रखी, हमारे गन्ना मंत्री ने तत्काल इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में ला करके पिछले वर्ष हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को, उसकी क्षमता को दोगुना करने के साथ ही वहां पर कोजन प्लांट का शुभारंभ भी कर दिया है। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि है। मोदिनपुर चीनी मिल, उसके क्षमता विस्तार की कार्रवाई को भी समयबद्ध ढंग से सरकार ने आगे बढ़ाया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से 2 गुना दाम देने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। किसानों के लिए चाहे वह किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये सभी कार्य किसानों के हित में करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अभी हाल ही में संसद ने 3 विधेयक कृषि संबंधी पास किए हैं। वन नेशन वन मार्केट की भावनाओं के अनुरूप किसान अपनी उपज को पूरे देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है, ये चीजें ये तीनों विधेयक साबित करती हैं। जो लोग किसानों का हित नहीं चाहते वे लोग इसका विरोध करते हैं। जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि को अराजकता गुंडागिर्दी का पर्याय बना दिया था, किराना और कांधला में अराजकता का तांडव करते हुए वहां पर व्यापक पलायन करने के लिए वहां के व्यवसायियों को, वहां के नौजवानों को कर दिया था, वे लोग एक बार फिर से उस प्रकार का वातावरण बनाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बुलंदशहर से ही मैंने प्रचार की शुरुआत की थी, और तब मैंने आप सबका आह्वान किया था, मैं आभारी हूं आप सबका कि विधानसभा चुनाव 2017 में भी और लोकसभा चुनाव 2019 में भी मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने तब भी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। केराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे, और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं
कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है, इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है, जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के न जाति न क्षेत्र न भाषा सबका साथ सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हरेक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तब ये लोग गुमराह करके षड्यंत्र करके दंगों की जातीय दंगों की सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था अराजकता आगजनी तोड़फोड़ इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं इन सब से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और विकास के उस पर्याय के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6.5 वर्षों के दौरान कार्य करके दिखाया है, अभी तो प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान जो भी कार्य किए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को ही व्यावहारिक धरातल पर उतारने का एक कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम है जो हमें किसानों के प्रति सोचने के लिए, युवाओं के बारे में सोचने के लिए, महिलाओं के बारे में सोचने के लिए, व्यापारियों के बारे में सोचने के लिए, हर एक तबके के बारे में सोचने के लिए न केवल बाध्य करता है बल्कि उसके अनुरूप नीति बना करके उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य दल नहीं कर सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना कालखंड के अंतर्गत किए गए कार्य इसके प्रमाण है। आप याद करिए 135 करोड़ की आबादी भारत की है और 135 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की दस्तक आते ही तत्काल लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन लॉकडाउन से जो समाज सर्वाधिक प्रभावित होगा उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की भी घोषणा की। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई आज भी चल रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के लोकल प्रोडक्ट को स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित करने, लोकल को वोकल बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो अभियान उन्होंने दिया बहुत बड़ा अभियान है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में हरेक विकास खंड के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन एफपीओस का गठन करना, स्टोरेज की क्षमता विकसित करने की कार्रवाई करना, कोल्ड स्टोरेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी करना, 1,00,000 करोड़ रुपए की घोषणा केवल इसी कार्य के लिए, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। जनधन अकाउंट की घोषणा हुई थी 2014 में, लेकिन जनधन अकाउंट की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे एक सामान्य मानवीय के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है ये करके दिखाया। जब 2 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा एक साथ उसके विपत्ति के समय में सीधे पहुंच गया, 87,00,000 वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग जनों के खाते में एडवांस पेंशन की राशि पहुंचने लग गई और साथ साथ उनको भरण पोषण का भत्ता भी दिया जाने लग गया। प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला खोमचा, रेड़ी लगाने वाले, कोली पलेदार इन सभी के खाते में पैसा सीधे भेजने का काम किया। प्रवासी कामगारों के खाते में धनराशि भरण पोषण भत्ते के रूप में देने के साथ साथ राशन किट देने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने उनके खातों में सीधे करने का कार्य किया। ये सभी कार्य टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण ही संभव हो पाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी नहीं है, लेकिन सिरोही जी और हमारे जो विधायकगण और माननीय सांसद जी इन सब ने जो प्रयास किया, बुलंदशहर के बारे में कोई नहीं सोचता था, आखिर पिछली सरकारें क्यों नहीं सोच पाई,
ये केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश सरकार ही क्यों सोच पाई कि बुलंदशहर में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आज बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज हम देने जा स्वीकृत किए हुए हैं, उसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, धन लीज की कार्रवाई हो चुकी है, उसका आर्किटेक्चर पूरा तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम इसका शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ भी करने जा रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत बुलंदशहर सिटी के अंदर पेयजल और सीवर की समस्या का समाधान करने के साथ ही वहां पे पार्कों की सुंदरीकरण की कार्य योजना को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो, किसानों के लिए चीनी मिलों की को संचालन, जिन चीनी मिलों को पिछली सरकारें बेचती थी, जिन चीनी मिलों को पिछली सरकारें औने पौने दाम पर बेचती थी, बंद करती थी, उन चीनी मिलों को चलाने का कार्य और गन्ना किसानों के वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने चलाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद करिए जब हम लोग सरकार में आए थे उस समय गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का 5-5, 6-6 वर्षों से लंबित बकाया था, मेरे सामने चैलेंज था और इसलिए मैंने कहा भी गन्ना बेल्ट से ही किसी व्यक्ति को हम इसका दायित्व देंगे और मैंने सुरेश राणा जी को यह दायित्व दिया। मैंने उनको कहा सुरेश जी चैलेंज है क्योंकि डाउन सीजन है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का दाम बहुत कम है, आपको यह दायित्व निभाना पड़ेगा, हो सकता है अपमान सहना पड़े लेकिन आप इन सब की परवाह के बगैर किसानों के हित में कदम उठाइए। और उसके बाद उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और मैं बधाई दूंगा उनको और उनकी पूरी टीम को। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 3 वर्ष के अंदर इनकी टीम ने, गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों के खाते में दिया है 1,06,000 करोड़ से अधिक। भाइयों बहनों, 1,06,000 करोड़ हमारे गन्ना किसानों के खाते में जाता है प्रदेश सरकार की पहल पर, गन्ना विभाग के द्वारा किए गए अभियान के तहत। बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है 1,06,000 करोड़, बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है लेकिन यहां गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान इस स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति बहुत खराब है, कोरोना कालखंड के कोरोना के कारण भी व्यापक असर मार्केट पे पड़ा है लेकिन नए सीजन के पहले अधिकतर गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि कहीं भी कोई समस्या ना होने पाए। आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री अशोक कटारिया जी, आपने देखा होगा प्रवासी कामगार और श्रमिक जब दिल्ली से भगाए गए, अन्य राज्यों से भगाए गए, एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर सड़क परिवहन विभाग की बसेस, रोडवेज की बसेस लगा करके सुरक्षित उनको उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य सरकार ने किया। कोटा में रह रहे लगभग 12,500 छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रयागराज में 15,000 से अधिक प्रतियोगी छात्र थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे बच्चे थे, हमारे लोग थे और इसलिए हमारे अपने साधन थे, हमने उन साधनों का बेहतर उपयोग किया, निःशुल्क उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे लोगों ने सफलतापूर्वक संपन्न करने का कार्य किया। और यही कार्य अलग अलग स्तर पर, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो, वोकेशनल एजुकेशन में व्यापक परिवर्तन हो, एक नए पोर्टल के माध्यम से हम सभी युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन का हो, वोकेशनल एजुकेशन का हो, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हो, अलग अलग सभी छात्रों को हर प्रकार की शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, यह कार्य भी सफलतापूर्वक हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल जी के नेतृत्व में यह कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न करने का कार्य किया जा रहा है। ये सोच विकास की एक नई सोच देने का कार्य किया जा रहा है और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं ये कहने के लिए कि उपचुनाव हमारे लिए विकास के लिए आवश्यक है, विकास का लाभ व्यापारियों को मिले। आपने देखा होगा व्यापारी कल्याण बोर्ड हमने प्रदेश में बनाया, किसी व्यापारी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यापारी के वहां कोई त्रासदी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो उस व्यापारी को 10 लाख रुपए की बीमा की गारंटी सरकार ने दी।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की, मात्र 3 वर्ष में 30 लाख से अधिक आवास दिए गए, 2,61,000 से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए, 4 करोड़ से अधिक देश के अंदर गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, प्रदेश के अंदर 1,24,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिले और 46 लाख से अधिक गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। ये सभी कार्य प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के आधार बने हैं। यही नहीं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत राहत, उन्हें 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सके, यह तो किया ही गया। जो लोग छोटे थे उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी कवर करने का कार्य किया गया। यानी हर एक स्तर पर कोई छूटने न पाए, कहीं कोई शासन की योजना से वंचित न होने पाए, ये पूरे प्रयास हर एक तबके के लिए किए गए। महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। जब विकास में भेदभाव नहीं, शासन की योजना का लाभ हर एक नागरिक तक, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तो फिर जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं? इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे, ये वही चेहरे हैं जो केराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे, ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, केराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे, और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं। लेकिन हमें सावधान होना होगा, कोविड-19 के खतरों के बीच में उपचुनाव होने जा रहे हैं, हमें इसकी गाइडलाइन का पालन करना होगा। शासन ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइन बनाई है और इस गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो मुझे लगता है चुनाव भी होंगे और साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी भी बन सकता है। यद्यपि दुखद है, हमें अपने नेता श्री वीरेंद्र सिंह सोरोही जी को खोना पड़ा, काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन एक खूबी थी सोरोही जी की कि अस्वस्थता के बावजूद भी विधानमंडल की बैठकों में भाग लेते थे। अंतिम बैठक में भाग नहीं ले पाए थे तो मैंने फोन करके उनको पूछा, मैंने कहा आप बैठक में नहीं आए? उन्होंने कहा थोड़ा मैं अस्वस्थ था, मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी मिली है, आप डॉक्टर से राय लीजिए और पूरा उपचार करिए। दुर्भाग्य से उनके वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, हमें श्री वीरेंद्र सिंह सोरोही जी के उन सपनों को साकार करना है जिन्होंने विकास के लिए, बुलंदसर के लिए तय किए थे, और उन सपनों को साकार करने में इस कोरोना कालखंड में हो सकता बड़ी सभाएं ना हो पाए, इस कालखंड में हम लोगों को स्थान आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। द नेवी गिव्स मी कॉन्फिडेंस, द नेवी गिव्स मी करेज, द नेवी गिव्स मी अ करियर।